अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो मेडिसिन में हमने अगला जो टॉपिक करना है वो रेस्पिरेटरी फेलियर। बिफोर स्टार्टिंग विद द एस्थमा, सीओपीडी और वो सारे आपके टॉपिक्स हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर इस वजह से मैं करा रही हूँ क्योंकि जितनी हम इसमें एबीजीज की वैल्यूज पढ़ेंगे, एबीजीज आपके आर्टीरियल ब्लड गैसेज होती है, वो सारी आपके अगले सिनेरियोज में आती होती है। इसका जो हम रेस्पिरेटरी फेलियर की दो टाइप्स हैं, टाइप वन एंड टाइप टू, ये आपके सिनेरियोज का पार्ट आता है। सपोज आपके पास एक सिनेरियो में देख रही थी आया हुआ था कि एस्थमा का पेशेंट है, मतलब उनने आपसे डायग्नोसिस पूछा था कि पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट किया, उसके ये एबीजीज थे, बताएं डायग्नोसिस क्या है, बताएं ये कौन सा रेस्पिरेटरी फेलियर चल रहा है। अब आपको फेलियर का पता ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि किस रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या क्या चीजें, ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, क्या हिसाब किताब है, तो आप कभी भी डायग्नोस नहीं कर सकेंगे। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये कैपलन में नहीं है, ये स्टेप अप में भी शायद नहीं है, ये आपने करना बाहर, यू हैव टू डू इट फ्रॉम डेविडसन, कहीं है या नहीं, आपने डेविडसन से ये लाजमी पढ़ना है। अदरवाइज जो मैं ये करा रही हूँ, मैं डेविडसन से ही करा रही हूँ, तो आप इसको लिख लें अपने पास, यू हैव टू नो दिस। अच्छा, अब आपकी बात करते हैं, हम रेस्पिरेटरी फेलियर की डेफिनेशन ये होती है कि जब हमारे पास ब्लड में नॉर्मल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल होते हैं वो मेंटेन ना रह सके, यानी कि जो लंग में नॉर्मल वेंटिलेशन का मैकेनिज्म चल रहा है, जो लंग में नॉर्मल गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म चल रहा है लंग में, वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन ना रख सके, तो उसको हम कहते हैं कि पेशेंट इज गोइंग इन रेस्पिरेटरी फेलियर। जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक नॉर्मल लेवल ब्लड में हर टाइम मेंटेन होता है, वो मेंटेन रहना चाहिए, अदरवाइज चीजें खराब होने लग जाती है। अगर वो मेंटेन नहीं रख पा रहा हमारा लंग, तो उसको कहते हैं पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है। अब हमारे पास इसका क्या मैकेनिज्म होता है पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा है, पहले उससे पहले जरा सी बात कर लेते हैं हम दो टर्म्स पे, मैकेनिज्म पे जाने से पहले जो दो टर्म्स पे हम बात करेंगे वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, एक होती है ये PaO2, जिसको हम नॉर्मली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ब्लड कहते हैं, सॉरी ऑक्सीजन का प्रेशर जो आर्टीरियल ब्लड में होता है। ठीक है, ए शोज आर्टीरियल ब्लड। ठीक है, क्योंकि हमने बात ही मैंने आपसे की है कि हम एबीजीज मेजर करते हैं ना, एबीजीज का टेस्ट का नाम आपने सुना होगा, एबीजीज इज आर्टीरियल ब्लड गैसेज। अगर आप कभी वार्ड में गए हो तो आपने देखा होगा कि एक टेस्ट लेती है नर्सेज, जिसमें ना वो कहती है कि उन्हें आर्टीरियल ब्लड चाहिए। वैसे तो हर ब्लड को हम वेन से ड्रॉ करते हैं ना, वेन से ब्लड लेते हैं, इस टेस्ट के लिए खास तौर पे आर्टरी से ब्लड लिया जाता है आपकी, या तो ब्रेकियल आर्टरी से या आपकी रेडियल आर्टरी प्रिफर की जाती है। और ये ब्लड जो है वो नर्सेज भी अक्सर नहीं लेती, डॉक्टर्स खुद लेते हैं, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होती है एबीजीज का ब्लड कलेक्ट करना, क्योंकि ये नॉर्मल तरीके से नहीं लिया जाता है, 90 डिग्रीज पे लेके जाते हैं, नीडल को लेते हैं क्योंकि आर्टरीज अंदर होती है। तो ये जो आर्टीरियल ब्लड गैसेज होती है, ये बेसिकली वो टेस्ट होता है जिसमें आप आर्टरीज में यानी आर्टीरियल ब्लड में गैसेस की कंसेंट्रेशन को चेक करते हैं। वो गैसेस ये होती हैं आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को चेक करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करते हैं और पीएच को चेक करते हैं। तीन चीजें आपने करनी होती हैं, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस में। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अभी मैंने बताया स्मॉल ए शो कर रहा है कि जो देखने वाला है, अगर वो सिर्फ ये भी पढ़ता है ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन से वाले किस जगह का ऑक्सीजन, आर्टीरियल ब्लड का ऑक्सीजन। ठीक है, ये ए शो कर रहा है कि दिस इज फॉर आर्टीरियल ब्लड। तो आर्टीरियल आर्टरीज के ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच को मेजर करना है। पार्शियल प्रेशर होता क्या है? पार्शियल प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन ब्लड, जो कि अवेलेबल है, समझ लें कि वो हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड हो जाए। ठीक है, अब ये मेरे पास सपोज करते हैं आर्टरी है और यहां पर ये सारे हमारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं। ये हीमोग्लोबिन नहीं, ऑक्सीजन को बाइंड करना है ना और उसको ट्रांसफर करना है। जितना यहां पर ब्लड में फ्री फ्लोइंग ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है कि वो जाके सेचुरेशन मेंटेन कर सके इनसाइड द हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन आपको होता है, हीमोग्लोबिन में चार जगह होती हैं जहां पर ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। तो जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा वो जाके आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा। अब जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है ना ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन और उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो गया, उसको हम कहते हैं सेचुरेशन। जो आप नॉर्मली वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, ये वाला कि सैट्स ड्रॉप हो गई और सेचुरेशन जो है वो ब्लड की कम थी, तो सेचुरेशन बेसिकली होती है जो हीमोग्लोबिन है वो कितना ऑक्सीजन उसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, वो सेचुरेशन होती है। और जो पार्शियल प्रेशर है वो फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विच आर अवेलेबल टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब जाहिर सी बात है जब हम एल्विओलाई के लेवल की बात करते हैं, ये एल्विओलाई है और ये हमारे पास उसके आसपास कैपिलरीज पड़ी हुई है, तो यहां पर कैपिलरीज के अंदर हमारे पास यहां पर भी ब्लड है, ठीक है, और यहां पर भी जो एयर आ रही है उसके पास भी डिफरेंट गैसेस हैं। यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूज करके जाता है यहां से
एल्वोलाई में आपको पता है क्यों, क्योंकि इधर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है और इधर कम है, और इधर से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके आती है अंदर, क्योंकि एल्वोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है और कैपिलरीज में कम होता है, तो ये जो ऑक्सीजन अंदर आता है दिस मेक्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड हीमोग्लोबिन के साथ जब ये जाके बाइंड हो जाता है तो इट मेक्स द सैचुरेशन ऑफ ब्लड बाय ऑक्सीजन। अच्छा, अब हमारे पास एक बात और ध्यान में रखनी है आपने, कि हम हमेशा ये कहते हैं कि 100% अगर सैचुरेशन होगी इसका मतलब यह है कि पूरा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाउंड है। अगर हमारे पास जो नॉर्मल हम मेंटेन रखते हैं, जब 100% सैचुरेशन होती है ना, उस वक्त आपके पास जो पार्शियल प्रेशर है वो 75 से 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है। ये दो डिफरेंट बातें हैं, सैचुरेशन इज विद हीमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर जो है वो ब्लड के अंदर फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का है। तो 100% या 95 से लेकर 100% सैचुरेशन में जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो 75 से 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। हमेशा ये बात रिकमेंड की होती है, आपने कोविड में देखा होगा, कहते हैं कि सैचुरेशन को 92 से ऊपर मेंटेन रखना जरूरी है, 92% से ऊपर को ऊपर ही आप सैचुरेशन को मेंटेन रखें, दिस इज नेसेसरी। उसकी वजह ये होती है कि जब आपकी सैचुरेशन फॉल करती है, जितनी आपकी सैचुरेशन फॉल करेगी उतनी ही एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन फॉल करती जाती है। जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड करते हैं ना हीमोग्लोबिन के साथ, तो बाकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बाइंड करने की एफिनिटी को स्ट्रांग कर देता है, और इस तरह मजीद हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के साथ मजीद ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन की एफिनिटी स्ट्रांग होती जाती है। जब ये सैचुरेशन डिक्रीज होती है तो क्या होता है कि जितना हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन होता है वो ले जाता है, जिन जिन ऑर्गन्स को चाहिए उनको दे देता है। जब वो ऑर्गन्स को दे देगा तो उसकी एफिनिटी और डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन से, तो इसीलिए हमें कहते हैं कि हमें 92% से ऊपर सैचुरेशन को हर सूरत मेंटेन रखना है। ये आपने कोविड के पेशेंट्स में देखा होगा, क्योंकि जब 90% फॉल कर जाती है ना सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन जब 90% फॉल करती है तो आपका ये जो पार्शियल प्रेशर है ये इतना ज्यादा डिक्रीज करता है कि ये 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाता है, और जब आपकी जो ये 90 से 80 तक फॉल करती है तो पार्शियल प्रेशर 40 तक हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें हाई लेवल ऑफ सैचुरेशन और हाई लेवल ऑफ पार्शियल प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, मतलब दोनों चीजें ही जरूरी हैं, और दोनों ही तब हो सकेंगी जब हमारे पास जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा तो सैचुरेशन मेंटेन रह सकती है, अदरवाइज नहीं रह सकती। तो सैचुरेशन को फिर हम ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? अभी मैंने बात की कि पार्शियल प्रेशर अगर होगा यानी फ्री ऑक्सीजन होगा तभी तो वो बाइंड कर सकेगा हीमोग्लोबिन के साथ, तो हम यही क्यों नहीं चेक कर लेते नॉर्मल हालात में कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? हम हर टाइम सैट और सैचुरेशन क्यों करते हैं? आपने भी कोरोना में देखा होगा सारे पेशेंट यही कह रहे होते हैं कि हमारी सैट्स मेंटेन नहीं थी, सैट्स 70 तक चली गई वगैरह, व्हाई डोंट वी गो फॉर पार्शियल प्रेशर? उसकी सिर्फ एक वजह है कि बेशक पार्शियल प्रेशर ज्यादा अच्छा पैरामीटर है टू चेक इट अबाउट, लेकिन हमारे लिए उसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से क्योंकि उससे हमें आर्टीरियल ब्लड लेना पड़ता है, पेशेंट से इन्वेसिव टेक्निक है, और उसके बाद उस आर्टीरियल ब्लड को हमने आइस क्यूब्स के अंदर रखना होता है कि वो फौरी तौर पर ऐसा ना हो, क्योंकि आर्टीरियल ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट कर जाता है, ऐसा ना हो फौरी तौर पर क्लॉट कर जाए, फिर वो आइस से हमें ट्रांसफर करना होता है लैब में और लैब उसे चेक करेगी। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, ये आप हर रोज या दिन में 2 दफा नहीं कर सकते, पेशेंट को भी दर्द होता है बार बार, काफी सवेर पेन होती है। उसके बजाय ये जो सैट्स को चेक करना है ना, ये आप एक सिंपल छोटी सी चीज होती है पल्स ऑक्सीमीटर होता है, वो आप उंगली पे लगाते हैं वो आपको सैचुरेशन बता देता है। तो इसलिए सैचुरेशन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एक रेगुलर चेकअप के तौर पे एज कम्पेयर टू योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन सैचुरेशन मस्ट बी अबव 92%। अब ये बताने का मकसद ये था कि हमारे पास ना रेस्पिरेटरी फेलियर में प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमारे पास होता है पहला काम, सपोज कहते हैं पेशेंट को कोई डिजीज हुई और डिजीज की वजह से उसके लंग्स का कोई एक लोब या कुछ एरिया थोड़ा सा लोकल एरिया खराब हो गया। अब जब लंग का लोकल एरिया खराब होगा ना तो आपको पता है कि उस एरिया में ये वाला एरिया सपोज नमूनिया ही था और नमूनिया से ये एरिया सारा कंसोलिडेट हो गया और भर गया फ्लूइड एंड पस से। अब इस एरिया में हवा नहीं आ सकती क्योंकि यहां सारा फ्लूइड और पस भरा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये वाला एरिया वो है विच इज नॉन वेंटिलेटेड, यहां वेंटिलेशन नहीं हो रही। लेकिन आपको पता है कि हर एल्वियोलाई के पास से एक कैपिलरी गुजर रही होती है इस तरह से, और उसको हम कहते हैं कि दिस एल्वियोलाई इज परफ्यूज्ड। ये नाम तो पता है ना, वेंटिलेशन का मतलब होता है कि एल्वियोलाई के अंदर एयर का आना, और परफ्यूजन का मतलब होता है एल्वियोलाई के पास से ब्लड का गुजरना, दो डिफरेंट चीजें, वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। जब पेशेंट को नमूनिया होता है तो वेंटिलेशन तो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है इस एरिया की, लेकिन परफ्यूजन तो रहती है, ब्लड तो वहां से गुजर के जाएगा। अब क्या हो रहा है कि नमूनिया की वजह से सपोज ये हुआ कि मेरे पास ये इस लोकल वेंटिलेशन खराब हुई, लोकल वेंटिलेशन के खराब होने की वजह से पेशेंट की ऑक्सीजनेशन पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि यहां पर जो सारे एरियाज थे यहां पर जितनी भी ऑक्सीजन मैक्सिमम हो सकती थी, जितनी हीमोग्लोबिन यहां पर मैक्सिमम सैचुरेशन ले सकती थी उसने ले ली,
तो यहाँ पर सारी, लेकिन ये वाला एरिया नहीं कर सका तो पेशेंट हाइपोक्सिया में चला गया, जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेड है। अब दूसरी बात साथ ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नॉर्मल रहता है, हालांकि ऐसा होना चाहिए ना कि जब ये एरिया कॉम्प्रोमाइज है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकल नहीं सक रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करना चाहिए। एक्चुअली होता ही है कि इस एरिया की कॉम्पेंसेशन के लिए ये वाला एरिया कुछ थोड़ी सी कोशिश करता है, ये एरिया कोशिश करता है कि ये ज्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दे। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये ज्यादा रिलीज कर देता है, इसको मसला नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। उसकी वजह ये होती है कि इस एरिया के पास जितना ब्लड में हीमोग्लोबिन था वो सारा हीमोग्लोबिन हो जाता है सैचुरेट। जब ज्यादा हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है तो ये मजीद ऑक्सीजन को ले ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाती है, ब्लड में हाइपोक्सिया हो जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेसिव निकल जाता है तो नॉर्मोकैपनिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रहता है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हम कहते हैं कि वो जा रहा है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में। अगर यही कंडीशन मेंटेन रहती है कि आपके पास मुसलसल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल 75 से 100 है, उससे कम है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलमोस्ट 35 to 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि ये टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर की इंडिकेशन है। उसके बजाय अगर हमारे पास ऐसा होता है कि एक ज्यादा एरिया लंग का जो है वो खराब है और टोटल वेंटिलेशन में मसला है, मतलब सपोज करते हैं कि पीछे कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से टोटल एरिया सारा का सारा ही सही वेंटिलेट नहीं हो रहा, अब सारा सही वेंटिलेट नहीं हो रहा होगा ना, तो फिर जाहिर है कि हाइपोक्सिया भी डेवलप होगा, यानी ऑक्सीजन भी सही एब्जॉर्ब नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी सही एक्सक्रीट नहीं हो सकेगी क्योंकि सारा ही खराब वेंटिलेटेड है। उस केस में जो पेशेंट की कंडीशन होती है वो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो अगर आपके पास वो एबीजीज देते हैं जिसमें आपका वो कहते हैं कि पी AO2 is almost 60 millimeters of mercury and PaCO2 is almost वो कहते हैं आपको कि 58 millimeters of mercury, और आपसे कहते हैं कौन सा रेस्पिरेटरी फेलियर, आपको साफ नजर आ जाता है कि इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ है यानी हाइपोक्सिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हुआ है, नॉर्मल ये था यानी हाइपरकैपनिया, सो दिस इज टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। ये आपका एमसीक्यू वगैरह का सिनेरियो है। यहाँ पर ये चीज खत्म करते हैं, ट्रीटमेंट अगले पार्ट में करेंगे, किसी को कोई मसला होगा ना आसमें। थैंक यू।